Ladies and gentlemen, Srimati Alola Divya Reddy from Telangana. नमस्कार टू ऑल द रेस्पेक्टेड पीपल ओवर हियर. मैं बहुत आभारी हूँ कि भारत सरकार ने मुझे ये पुरस्कार दी है. मैं अलोला दिव्या रेड्डी, एक माँ जो अपने बच्चों को शुद्ध ए टू दूध देने की खोज में मेरे पति गौतम रेड्डी के साथ जो क्लिमोम को शुरू की, वो अब मेरे बच्चों के साथ साथ हज़ार तक के बच्चों की मदद हो रही है. ए टू मिल्क यानी हमारा देसी गाय का दूध, जो अब पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो गया कि ए टू मिल्क हेल्दी है, ए टू मिल्क ही पीना चाहिए. देसी गाय जो हमेशा हमारे आंगन में दिखाई देती थी, जो हमें सब कुछ देती थी, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, आजकल वो हमारे आंगन में दिखाई नहीं दे रही है. ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम फिर से देसी गाय को अपने आंगन में वापस ले आए. 3 साल हुए गोमाता क्लिमोम वेलनेस एंड फार्म्स में आए हुए. क्लिमोम इज नॉट जस्ट अबाउट मिल्क, इट्स मच मच मोर. इट्स अ मिशन टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी टू आवर सेक्रेट इंडियन काउस. आजकल अगर हम देखें तो हाइब्रिड काउस सिर्फ डेयरी फार्म में नहीं लेकिन गांव में भी दिखाई दे रहे हैं. किसान ये सोच रहा है कि वो 4-5 देसी गाय रखने के बगैर वो 1-2 हाइब्रिड काउ लगाएगा तो उसे ज़्यादा पैसे आएंगे और ज़्यादा दूध मिलेगा. लेकिन हम यहाँ किसानों को ये समझाना पड़ेगा कि अगर वो देसी गाय का दिया हुआ सब कुछ सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो उसे 100% सेहत और समृद्धि प्राप्त होगी. वो जितना भी कम दूध देती होगी देसी गाय, लेकिन वो अमृत के समान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है. देसी गाय का दिया हुआ गोबर और गोमूत्र से अगर हम जीवामृत घनामृत बना के उसके साथ कॉ बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और उससे जो फसल आता है वो फसल हमें 100% सेहत और समृद्धि देगी. ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. 50 साल पहले तक हम वही करते थे, सिर्फ अब उसको नया नाम दिया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग. अगर हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के साथ जब हम खेती करते हैं तो उससे जो फसल आता है वो फसल खाने से हमको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं. अगर इन बीमारियों से बचने के लिए हमको एक ही रास्ता है, काउ बेस्ड फार्मिंग. आज़ादी के समय हमारे पास 90 करोड़ गाय थे और हमारा आबादी था 30 करोड़. अब हमारा आबादी हुई 130 करोड़ और गाय हुए सिर्फ 9 करोड़. गाय विश्व की माता है, गाय रहेगा तो ही सब कुछ रहेगा. हमारी देशी गाय की प्रामुख्यता जान के सब देशों वाले जैसे कि ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग अपने गाय को उनके देश को लेके जा रहे. हमारी गाय की संख्या अब हमारे देश से ज़्यादा उनके देशों में है, तो हम क्यों अपनी गाय को जो गोमाता बोलते हैं उसे खो रहे हैं. लेट्स गेट बैक इंडिया टू आवर सेक्रेट इंडियन काउस. क्लिमोम की जो ये मिशन है देसी गाय को वापस लाने का, वो कुछ हद तक सक्सेस हो रहा है, क्योंकि हैदराबाद में हमें गौशाला शुरू करने के बाद बहुत सारे लोग हाइब्रिड काउ के बगैर देसी गाय के साथ गौशाला शुरू की है. अगर ऐसे ही सब लोग देसी गाय को अपने ज़िंदगी में वापस लाएंगे तो समृद्धि और सेहत खुद ब खुद वापस आ जाएगी. धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. थैंक यू सो मच मैम.